खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख लिया है। इसी में मैंने पहले दो प्याज़ें बड़ी फ्राई करके निकाल ली थी, बड़े साइज़ की, और ये दो प्याज को हम इसे अभी मसाले में फ्राई करेंगे। और मैंने ये अंडों को उबाल कर रख लिया था और इसे भी मैंने तल लिया था ऊपर से, और आलूओं को भी मैंने इस तरह काट के अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लिया। और चावलों का पानी मैंने गैस पर रख लिया है। मैं 500 ग्राम बिरयानी के चावल बनाऊंगी बासमती, तो उसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें इलायची, लौंग और तेज़पत्ता, ये देखिए इसे हम बघारेंगे, ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च, और ये जावित्री की कुछ कलियां हैं, पत्तियां, और एक बादियाम का फूल। इसे हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे और इसे गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने इसी तेल में पहले प्याज़ें फ्राई कर ली थी और उसी में मैंने अंडों को और आलूओं को फ्राई कर लिया था। और अब हम इसमें 2.5 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 30 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्चियाँ ली थी, और इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आप इसे काट कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसे पीस कर इसलिए लिया है कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और दो टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चियों का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें ऐड किया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाएंगे। और नमक भी हम इसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए जल्दी से। तो इसे 4-5 मिनट के लिए हम ढककर धीमी आंच पर भुनेंगे। और ये देखिए पानियों में यहाँ उबाल आ गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने चावलों के नमक बराबर डाल दिए हैं, 2 टीस्पून, और 1 घंटा पहले मैंने ये चावलों को भिगो कर रखा था अच्छी तरह से धोकर। अब इसमें मैं ऊपर से नींबू निचोड़ूंगी और इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम चावलों को छान लेंगे। और ये देखिए इतनी देर में यहाँ हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, और दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था और इसके बीच में डालेंगे और चम्मच से इस तरह से हिलाएंगे बीच से ताकि हमारा दही फटे नहीं। और ये देखिए अब हम इसमें धनिया और पुदीना, इस पॉइंट पर मैंने इसमें 2-2 टेबल स्पून ऐड किया है, और बाकी का जो है वो मैं बाद में लेयर लगाते टाइम ऐड करूँगी। और 4 हरी मिर्चियाँ मैंने इस पॉइंट पर इसमें ऐड की है। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते कम या ज़्यादा। आलूओं को मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि ये अभी पूरी तरह से गले नहीं थे, और इसे हम हाफ डन करेंगे, पूरा नहीं, और बाकी का ये दम में पकेगा। और ये देखिए चावलों की एक पतली लेयर मैंने नीचे लगा कर रख दी है। और अब ये आलू भी हो चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है और नींबूओं का रस 2 टीस्पून के करीब मिलाकर अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। तो मैंने नीचे पहले पतली सी परत चावलों की रखी थी और उसके ऊपर मैंने मसाले की लेयर लगा दी, और उस पर मैंने धनिया पुदीना भी छिड़क दिया, और जो मैंने प्याज तल कर रखी थी वो भी उसमें ऐड कर दी। अब उसके बाद फिर हम एक चावलों की लेयर लगाएंगे। इसी तरह से हम 2 लेयर लगाएंगे। अब चावलों के ऊपर हम वापस से जो बचे हुए मसाले हैं उसकी लेयर लगा देंगे। मैंने नीचे वाले हिस्से में अंडा नहीं ऐड किया था, दूसरी वाली परत पर मैंने ये 3 अंडे रखे हैं। मैंने 6 अंडों का इसमें इस्तेमाल किया था क्योंकि ये 500 ग्राम चावल है और हमारे घर के लिए इतना बस है, क्योंकि हमारी 3 लोगों की फैमिली है, तो उस हिसाब से 2-2 अंडे सबके बराबर हो जाते हैं। और ऊपर वाली लेयर पे और ये बाकी के अंडे लगा दूंगी, और उसके बाद इस पर भी मैं धनिया पुदीना छिड़क कर और प्याज और थोड़ा सा कलर इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें जर्दे का रंग मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं या कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी यूज़ कर सकते। ये मैंने इस तरह से लगा लिया है, ये देखिए कलर भी मैंने इसे ऐसा हिला लिया ताकि ये अच्छी तरह से रंग इसका उसमें घुल जाए। और अब हम इसका अच्छी तरह से लीड लगा लेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने प्याज भी ऊपर से और छिड़क दी। मैंने ज़्यादा प्याज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया, और ऊपर से मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब घी का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा प्याज से थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें
ज़्यादा प्याज ऐड नहीं की। पहले हम इसे थोड़ी देर 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे नीचे तवा लगाकर एकदम धीमी आंच पर इसे 10 मिनट तक दम देंगे। और ये देखिए, दम देकर 20 मिनट मैंने इसे दम दिया है और ये देखिए ये तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसके चावल अलग, मसाले